Hello friends, welcome to Dollhouse Delight. एक सुंदर सा फ्रिज मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। पहले तो ये क्रॉकरी के लिए शेल्फ ऐसा बनाऊंगी। ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने, यहाँ ऐसे चार सपोर्ट पेपर के रोल्स बना के लगाए हैं और इसके सहारे में ऐसे शेल्फ्स रखूँगी। और ये जो प्लेट्स बनाए हैं मैंने छोटे छोटे क्ले के, ये प्लेट्स ऐसे लगाऊंगी और पेंट करना बाकी है। पूरा हो जाने पर आपको मैं दिखाती हूँ। ये पेंट मैं फेविक्रिल एक्रिलिक यूज़ कर रही हूँ, फैब्रिक कलर। और क्ले मतलब है फेविक्रिल शिल्पकार यूज़ करके मैंने ये मिनिएचर प्लेट्स बनाए हैं, जो भी क्रॉकरी बनाई है। और शेल्फ यूज़ किया है कार्डबोर्ड यूज़ करके, और उसको सेटिन का पिंक रिबन वगैरह लगा के थोड़ा बहुत सजाने की कोशिश की है। ये मैं ऐसे ट्रायल और एरर के साथ ये शेल्फ बना रही हूँ, पता नहीं अच्छा बनता है कि कैसा बनता है, पर सोच रही थी जो भी बनता है आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। ये फेविक्रिल शिल्पकार क्ले मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की है, लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। और आपके इमेजिनेशन के ऊपर है, आप इसका इतना अच्छा यूज़ करके कुछ भी बना थोड़ी सी भी आइडिया है, अगर कुछ शोपीसेस वगैरह बनाने की हॉबी है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फेविक्रिल शिल्पकार। और अफोर्डेबल भी है, एक छोटा सा 50 ग्राम का पैकेट मुझे मिला सिर्फ 15 रुपीज़ में। ये एकदम बारीक ब्रश यूज़ करके मैं जितना हो सके नीट एंड क्लीन वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, पर थोड़ा सा मुश्किल है ये छोटा छोटा काम करना। जैसे तैसे हो गया, बॉर्डर बनाऊँगी इसकी। ये सब डिशेस तैयार है पेंट होके, डिज़ाइन उस पर बना दी है मैंने, छोटे छोटे चम्मच भी बनाए हैं। सब सजाई हुई क्रॉकरी चिपका दी है मैंने कार्डबोर्ड पे, और पीछे क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो गया है तो एक की जगह मैंने दो मैग्नेट्स लगाए हैं उस पर, बटन साइज़ के दो मैग्नेट्स लगाए हैं, और ये एकदम स्टर्डी अच्छी तरह से चिपक गया है। रेडी हो गया हमारा फ्रिज मैग्नेट। Don't forget to subscribe.